ओम गं गणपते नमः। दोस्तों, 2 सितंबर सोमवती अमावस्या, साल की सबसे बड़ी अमावस्या। पूरे 500 सालों के बाद इस दिन बना दिव्य दुर्लभ महाशुभ संयोग। इस दिन यानी 2 सितंबर को सोमवती अमावस्या के दिन चुपचाप गाय को खिला दें, यह एक छोटी सी चीज। रोड़पति भी होंगे करोड़पति, मिलेंगी सभी संकटों और कष्टों से मुक्ति। मृत्यु दंड पितृ दोष तुरंत होगा खत्म, पूरे साल आपके घर में भरे रहेंगे अन्न धन के भंडार। यूं कहें कि आपकी 7 पुश्तें तक करेंगी रुपयों पैसों पर राज। दोस्तों, 7 पीढ़ियों तक बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा। सभी दुख दर्द संकट कष्ट हैं वह सभी दूर हो जाएंगे और सभी सुख आपके पास आ जाएंगे, सभी सुख आपके कदम चूमेंगे यदि आप यह छोटी सी चीज सोमवती अमावस्या के दिन खिला देते हैं। यकीन मानिए, आपके जीवन से गरीबी का नामो निशान खत्म हो जाएगा। क्योंकि गरीबी आपके घर का रास्ता ही भूल जाएगी, पितरों की कृपा बरसेगी, आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे और 7 पीढ़ियों तक किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहेगी। अन्न धन वस्त्र भंडार भरे रहेंगे 7 पीढ़ियों तक। इतने दुर्लभ योग में इस बार सोमवती अमावस्या है जो कि 2 सितंबर को पड़ रही है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही लाभकारी वीडियो है। गाय से जुड़े हम आपको वह उपाय बताएंगे जिन उपाय को करने से आपका भाग्य चमक जाएगा, संपूर्ण जीवन बदल जाएगा, पितरों की कृपा बरसेगी, भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी। जब दोस्तों वीडियो को आगे शुरू करें, सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट्स बॉक्स में जय भोलेनाथ जरूर लिखना और वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों में, ताकि और लोग भी इस वीडियो में बताए गए उपायों से लाभ उठा सकें। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें कि हिंदू धर्म में अमावस्या की जो तिथि होती है, इस तिथि का विशेष महत्व होता है और भाद्रपद मास में सोमवार के दिन अमावस्या पड़ने के कारण सोमवती अमावस्या का संयोग बन रहा है। इस दिन को भादो अमावस्या या भादी अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। सोमवती अमावस्या के दिन लोग ब्रह्म मुहूर्त में स्नान दान व तर्पण करते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से शुभ फलों की व्यक्ति को प्राप्ति होती है। आपको बताना चाहेंगे कि भाद्रपद कृष्ण अमावस्या जो कि सोमवती अमावस्या 2 सितंबर को सुबह 5:21 पर प्रारंभ होगी और 3 सितंबर की सुबह 7:24 पर समाप्त होगी। उदय तिथि के अनुसार सोमवती अमावस्या 2 सितंबर दिन सोमवार को मनाई जाएगी। इस दिन आपको सोमवती अमावस्या के दिन पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए और स्नान करने के बाद भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अवश्य देना चाहिए। यदि पवित्र नदी में स्नान करने जाना संभव ना हो तो आप घर पर ही नहाने वाले पानी में गंगा जल की कुछ बूंदे डालकर स्नान करें। स्नान के बाद भगवान सूर्यदेव को 1 लोटा जल अवश्य अर्पित करें और इस दिन गरीब या फिर जरूरतमंद को अपनी यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार दान देना चाहिए। अन्न धन वस्त्र का दान करना चाहिए, पितरों के नाम का दान करें, तर्पण करें। ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं और आपके जीवन में खुशहाली आती है। अमावस्या के दिन भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना चाहिए, साथ ही भगवान शिव के अभिषेक से विशेष लाभ मिलता है। मान्यता है कि ऐसा आर्थिक तंगी दूर होती है। भगवान शिव का अभिषेक करें और धन आगमन के मार्ग भी खुलते हैं। और दोस्तों, इस दिन आपको भगवान विष्णु जी, माता लक्ष्मी का भी विधि विधान से पूजन करना चाहिए। भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करना चाहिए, आरती करनी चाहिए। भगवान शिव मां पार्वती के मंत्रों का जाप, इनका पूजन, आरती करें, मनोकामना मांगे, आपकी शीघ्र अतिशीघ्र सभी मनोकामना पूर्ण होंगी, जीवन में खुशी आएंगी। तो दोस्तों, पितरों के निमित्त दान धर्म के कर्म जरूर करें, जो भी दान बने जरूर करें। और दोस्तों, गाय के उपाय बताने से पहले एक उपाय आपको और बता देते हैं। इस दिन यानी सोमवती अमावस्या के दिन आपको शाम के समय आटे का 4 मुखी दीपक बनाकर
उसमें लाल वाली कलावे की बाती लगाएं, जो लाल वाला कलावा होता है उसकी बाती बनाकर उसमें लगाएं और उसमें सरसों का तेल डालकर पीपल के पेड़ के नीचे जला दें और सात बार पितरों का स्मरण करते हुए, मनोकामना मांगते हुए, पितरों के मंत्रों का जाप करते हुए, ओम पितृ देवताय नमः 11 बार या फिर 7 बार आप परिक्रमा करते हुए मंत्र का जाप कर लें, क्योंकि समस्त देवी देवताओं का वास, पितृदेवों का वास अमावस्या तिथि पर पीपल के पेड़ में होता है। तो दोस्तों आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी और जीवन में आपकी खुशी आएंगी। अब बात करें कि गाय से जुड़े कौन कौन से उपाय आपको इस दिन जरूर करने हैं, जिससे कि आपके पितरों की आपके ऊपर कृपा बरसे और साथ ही साथ भगवान शिव माँ पार्वती, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा बरसे, सात पीढ़ी तक लाभ मिलेगा आपको गाय के उपायों को करने से। तो सबसे पहला उपाय क्या करें इस दिन आपको, दोस्तों गाय के उपाय करने से पहले आपको एक बात का ध्यान रखना है, गाय हो या फिर कोई भी पशु पक्षी, उसे आपको सताना नहीं है, मतलब मारेना सताएना, क्यों? क्योंकि विशेष तिथियों पर तो आप इनका पूजन करें और वैसे आप इनको डांटें, मतलब सॉरी इन्हें मारें फटकार के, जैसे कि कोई आपकी दहलीज पर पशु पक्षी है जो उसे फटकार कर डांट करे या डंडे से भगा देते, ऐसा नहीं करना, क्योंकि विशेष तिथियों पर तो इनका पूजन करें और वैसे इनको आप डंडे से मारे भगाएं तो कोई लाभ आपको नहीं मिलेगा। सर्वप्रथम सभी पशु पक्षियों के प्रति आपका भाव होना चाहिए कि उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। समझ में आप आगे होगा मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। तो निस्वार्थ भाव से इनकी सेवा जरूर करें। और दोस्तों गाय से जुड़ा पहला उपाय क्या करना है आपको, जो इस दिन पहली रोटी बनाए उस रोटी के ऊपर हल्दी से स्वास्तिक बना लेना है और सात साबुत दाने चावल के रखकर थोड़ी मिश्री और थोड़ा सा घी रखकर उसे आपको गाय को खिलाना है। इसे खिलाने के बाद गाय की सात बार परिक्रमा करें और गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है उस पर हाथ फेरते हुए मनोकामना मांगे, पितरों का स्मरण करें, पितृ देवताय नमः ओम पितृ देवताय नमः मंत्र का स्मरण करते हुए रोटी जरूर खिलाएं, जैसा बताया है बहुत चमत्कारिक रूप से आपको लाभ देखने को मिलेगा। और क्या करें अगला उपाय, चाहे तो आप ये उपाय भी अपना सकते हैं, क्या करें थोड़ा आटा ले लें, आटे में गंगा जल की कुछ बूंद डालें, थोड़ा जल डालें, थोड़े काले तिल उसमें डाल दें और इसके बाद आप उन आटे की 11 लोई बना लें, एक पात्र में रख लें, प्रत्येक लोई पर आपको हल्दी से टीका लगाना है, प्रत्येक लोई के ऊपर 11-11 साबुत चावल के दाने भी उस पर चिपका दे रख दे। इसके बाद आसपास जो भी गाय मिले एक एक करकर इसे खिला दे, भगवान भोलेनाथ का स्मरण करते हैं क्योंकि सोमवती अमावस्या है, भगवान शिव बहुत प्रसन्न हो जाएंगे, भगवान शिव का स्मरण करते हुए मनोकामना मांगते एक एक करकर गाय को आप खिला दें इन 11 के 11 लोइयों को, बहुत लाभ मिलेगा आपको। एक उपाय और बता देते हैं वीडियो में जाते जाते, क्या करें दोस्तों इस दिन सोमवती अमावस्या के दिन, आपको ये दोनों उपाय भी ना आप कर पाए तो एक छोटा सा उपाय और क्या करें, थोड़ा सा गुड़ ले लें, उस गुड़ को घी में डुबो लेना है, डुबो ले या फिर थोड़ा घी गुड़ के ऊपर लगा ले, इसके बाद अपनी हथेली पर रखते हुए गाय को इसे चटाए, आपकी हथेली से ही गाय इस गुड़ को चाट ले, खा ले, मतलब जैसे ही गाय इस गुड़ को खाएगी आपकी हथेली से उसी समय से आपका शुभ समय शुरू हो जाएगा। इस समय उस समय आपको मंत्र बोलना है ओम धनाय नमः, ओम धनाय नमः मंत्र का जाप करते हुए गाय को इसे खिला देना है, आपकी हथेली पर ही रखे रखे इसे चाट ले, उसी समय से शुभ समय शुरू, सब कार्य बनने शुरू हो जाएंगे और आप लिख कर रख लें 21 दिनों के अंदर में मनोकामना पूर्ण हो जाएगी जिस कामना को लेकर इस उपाय को आप करेंगे, अद्भुत योग में है सोमवती अमावस्या। तो दोस्तों गाय से जुड़े तीन उपाय बताए हैं, कोई से भी उपाय कर लेना लाभ मिलेगा, महादेव भगवान भोलेनाथ की कृपा बरसेगी, पितरों की कृपा बरसेगी, भगवान विष्णु जी माता लक्ष्मी की कृपा बरसेगी, सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी, सात पीढ़ियों तक लाभ मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, धन्यवाद।